प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा। आचार संहिता लागू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेर लिया था। कांग्रेस भवन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने प्रेस वार्ता कर जोरदार हमला बीजेपी पर किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये संकल्प पत्र भी सिर्फ और सिर्फ जुमला ही साबित होगा। हुकूमत और शासन चल रहा है उसमें भी क्या ये सब सीटें जीत पाएंगे? उत्तर प्रदेश में इनका शासन है, उत्तर प्रदेश की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई है, आपके मित्र पत्रकार रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, आपको सब जानकारी है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।